वो भी झांक रहा है क्या सीन है नहीं। अभी ठीक है फिलहाल। अभी ये रहा सामने वन प्लस का, और जाकर देखते अंदर कितना टाइम लग रहा, नहीं लग रहा उस पर। मैं सोच रहा हूँ टाइम ऑलमोस्ट छोड़ा कितना, एक बजने वाला ऑलमोस्ट है ना, तो मैं सोच रहा हूँ अभी गया मैं वन प्लस के स्टोर में कि उस टाइम उस पर बनना निकले, मैं बोल रहा उसका लंच का टाइम ना हो जाए, फिर मैं सोच नहीं SBI का बैंक तो नहीं है। गाइस मॉर्निंग सुबह जिम आ गया मैं, क्योंकि मेरे को आफ्टर ऑब्वियसली आफ्टर नहीं जिम के बाद ही निकल जाऊँगा स्टोर पर। मैं जो एक ग्रुप निकला जिम से बाहर, 10-15 बजे एक ही बार जिम से बाहर निकला सब, वैसे भी नहीं बचा ऐसे, तो फिलहाल ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, फिर मेरे को स्टोर जाना पड़ेगा। और आज का वर्कआउट ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं, ऐसे मैं लूँगा मुश्किल से आधा घंटा, मुश्किल से लूँगा आधा ऐसे 45 मिनट का लूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लूँगा तो ऑब्वियसली मेरा टाइम वेस्ट होगा। और आज का वर्कआउट भी ज़्यादा लंबा टाइम का नहीं है, आधे घंटे का ही मुश्किल वर्कआउट है, बराबर करते हैं जिम से वहाँ। फिर मैं वर्कआउट कर रहा था और जिम में ना, जब से नया जिम शिफ्ट हुआ है ना, तब से जिम में एक बंदा रख रखा मैनेज करने के लिए, जो बेसिकली सब कुछ मैनेज करता है, कोई वर्कआउट गलत कर रहा सही कर रहा है, किसी ने फीस दिया नहीं दिया, तो एक बंदा रख रखा है। तो मैं तो मोस्टली शाम को जिम आता हूँ, मॉर्निंग कभी कभार आता हूँ, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि मैं मॉर्निंग जिम आ गया, ऐसे मैं शाम को ही जिम आता हूँ। तो उसको लगा सर मैं मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों जिम आना स्टार्ट कर दिया हूँ आज से, इससे पहले भी दो बार मॉर्निंग आया था, उस दिन आफ्टरनून नहीं आया था मैं, क्योंकि मैं दिन में एक ही बार वर्कआउट करता हूँ, दिन शाम को या तो मॉर्निंग में। मेरा भाई बोल रहा है कि ब्रो अगर दो टाइम जिम करोगे तो 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैंने बोला भाई मैं यहाँ जिम बहुत दिन से कर रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि डबल जिम नहीं करना है मेरे को, और जहाँ जिस सिचुएशन में मैं हूँ उधर मेरे को डबल जिम करने की जरूरत ही नहीं है, जब डबल टाइम तो मैं सिंगल में ही ठीक हूँ। तो फिर हंस के फिर चला गया वो भाई, इतना तो पता है कि दिन में एक ही बार जिम करना है मेरे को, चाहे मतलब मुझे पता ना मैं कहाँ पे हूँ नहीं हूँ, तो मुझे दिन में एक ही वर्कआउट करना इनफ है मेरे लिए, ज़्यादा वर्कआउट करके मतलब उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं उतना एक वर्कआउट करके दिन में एक टाइम वर्कआउट करके मिलेगा मेरे को। तो मैंने बोला फिर वो चला गया। अब क्या ही बोले, यहाँ से निकलते हैं अभी, और यहाँ से निकलूँगा सीधे फ्रेश होकर सीधे वही वन प्लस के स्टोर पे और शोरूम पे, और देखते हैं उसको फ़ोन का क्या सीन बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम बोल रहा है, करवाएंगे ठीक आज ही करवा लूँगा ठीक में। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, इतना धूप है भैंस की हैं, स्कूटी पर बैठूँगा अभी, पिछवाड़ा ऐसे लाल हो जाना मेरे, निकलते फटाफट यहाँ से, स्कूटी भी साफ़ करना पड़ेगा शायद, मैं आज ही करूँगा शायद साफ, इतने दिन से देख रहा हूँ आज कर ही लूँगा, करके निकलूँगा मार्केट। तो अभी हम दोनों निकल चुके हैं सर्विस सेंटर अपना फ़ोन लेके, जो कल दिखाया था मैंने फ़ोन में दिक्कत हो गया था, तो वो लेकर निकल चुके अभी हम, और धूप इतना है कि लेट ऐसे ही हो गया, पता नहीं कैसे लेकिन लेट ऐसे ही हो गया, लेकिन फिर भी जाके देखते क्या सीन है वहाँ पे आज का फ़ोन का, और जाकर वहाँ जाकर देखते और बेसिकली क्या सीन है उन्हें। आजा बैठ जा, हेलमेट दे मेरे को, निकलते वहाँ पे जाके, गुस्सा इतना आ रहा ना, मैं बोलता हूँ जाके गुस्सा क्यों आ रहा है। अच्छा बच्चा मेरा हेलमेट बाहर रख दे, बहुत गर्मी है, तू कहाँ रखेगी अपना हेलमेट, मेरे आज ही फ्री का पार्किंग मिल गया यहाँ से ना, पीछे पैसा वाला पार्किंग था ऐसा, चला जा इधर, होता है पैसा वाला पार्किंग और ये लैंड में होता है पूरा फ्री का पार्किंग है ना। और अभी मैं सोच रहा हूँ टाइम ऑलमोस्ट छोड़ा कितना, एक बजने वाला ऑलमोस्ट है ना, एक थोड़ा लेट होगा लेकिन फिर भी एक बजने वाला है अभी। और मैं सोच रहा हूँ अभी कि अभी गया मैं वन प्लस के स्टोर में कि उस टाइम उस पर बंद ना निकले, बंद इधर इधर आया, मैं बोला उसका लंच का टाइम ना हो जाए, फिर मैं सोच नहीं SBI का बैंक तो नहीं है, वो नहीं होता उसका लंच का, फिर भी आ जाए इधर से थोड़ी, फिर तो बहन जो यही सोचता रहूँगा लंच में, तो फिर फ़ोन तो गया आज, अगर आज फ़ोन ठीक नहीं हो पाया ना किसी भी तरह से मान ले, तो ऐसा होगा कि आज का पूरा दिन हमारा बर्बाद, छुट्टी का दिन बर्बाद, फ़ोन ठीक नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन होना चाहिए ठीक, जाकर देखते हैं क्या सीन है, कितना टाइम लगता है। फिलहाल पार्किंग वार्किंग तो पीछे खड़ा हमने गाड़ी, बस यहाँ से चलना पड़ता है क्योंकि पार्किंग के चक्कर में रहता है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है हमारे को, क्योंकि अगर पार्किंग चक्कर ना रहेंगे तो फिर टाइम नहीं लगता हमें, इधर से आ जाओ फिर टाइम नहीं लगेगा हमारे को, मतलब उतरूंगा वहीं पे जहाँ पे काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता गाड़ी है तो थोड़ा पार्किंग का चक्कर लग जाता है हमारे को, ये सब पूरा रास्ता खाली है, लेकिन वही है ना इतना धूप है इसीलिए खाली है। अगर शाम हो गया ना गलती से आज फ़ोन ठीक रहते कराते हैं तो दिखाऊंगा कितना भीड़ है यहाँ पे, यहाँ तो इसमें आ रखे हैं बहुत बारी और वीडियोज़ वगैरह बहुत इसका अपलोड है यहाँ का, देख सकते हैं कितना भीड़ होता है वहाँ पर। एक्चुअली जाते हैं देखते कितना से, और हम रुमाल भी भूल गए हैं जो ऐसे भी, पानी तो खैर अंदर से पी लेंगे जाके है ना, पानी जाकर अंदर से पी लेंगे, लेकिन रुमाल के क्या कर रहे हैं अभी देखते हैं। अभी चल जाते हैं स्टोर पे, 5 मिनट और चलना है यहाँ से है ना छोटा, 5 मिनट और चलना है फिर पहुँच जाएंगे। हाँ
हाँ चार से पाँच मिनट ऐसे मोस्टली लग ही जाता है हमारे को थोड़ा बहुत मिला के मोटा मोटी। निकलते हैं यहाँ से, निकल ही चुके हैं, जाकर देखते हैं फोन का क्या चक्कर है, इधर आ जाओ देख जाएगा फोन का क्या चक्कर है, कितना टाइम लगता है और कुछ नहीं। इतने देर बाद अभी बहुत टाइम बाद हम छाए में हैं, जब से धूप में चल चल के बहन जो हालत खराब था हमारे को, अभी ठीक है फिलहाल। अभी ये रहा सामने वन प्लस का, और जाकर देखते हैं कितना टाइम लग रहा, नहीं लग रहा उस पर। लोक है जिसे बात का डर था, एक सेकंड दिया था अगेन सेकेंड मैम, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके आज गवर्नमेंट होली था इसीलिए बंद है हमारा, ये हमारा नहीं मतलब हमको का सर्विस सेंटर, अब नहीं पता कब खुलेगा। एक तो भैंस की है कि अपना छुट्टी कॉम्प्रोमाइज करके हम वन प्लस के स्टोर पे आए थे ना, आज गवर्नमेंट हॉलीडे है इसीलिए सब हमारा कॉलेज में छुट्टी भी था ना आज, तो वो छुट्टी कॉम्प्रोमाइज करके हम आए थे फ़ोन का काम कराने के लिए, लेकिन गया। कल का दिन इतना ख़राब गया था ना हम लोग का, लगा था कि इससे गंदा दिन आज तक हमने झेला ही नहीं है अपनी लाइफ में, क्या बोलती है हम दोनों का लाइफ, मतलब कल दिन इतना ख़राब था ना हम लोग के लिए, इतना दिन ख़राब था, कुछ भी करने जा रहे कुछ काम नहीं हो रहा था हम लोग का, एक मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, कुछ नया ट्राई करने जा रहे थे कुछ नया हो भी नहीं रहा था हमारे से, तो क्या आज का दिन अच्छा कर लेंगे, फ़ोन ठीक करा लेना था और भी थोड़ा जो काम था वो करवा लेते। आज बंद है लोक लगा पड़ा उधर, और वही रीज़न है कि तो गवर्नमेंट हॉलीडे है ना कर्नाटका में, एक मई है इसीलिए, एक मई में से क्या होता है इसीलिए छुट्टी है, इसीलिए छुट्टी है। अब अफिशियल बंदा आया है वो भी झाँक रहा है क्या सीन है नहीं, और उसका भी कुछ सीन। अब बहन जो हम फंस चुके हैं लंच का टाइम है, और अब इतना धूप में इधर एमजी रोड मतलब लोकेशन पर खड़े अपने, अब तो इधर यहाँ से कहाँ जाए समझ आ रहा है कुछ, यहाँ से कहाँ जाए अभी और ये जो मेन रोड है ना ये वाला, यहाँ पे तुम पार्किंग नहीं कर सकते, हम गाड़ी वाड़ी का तुम फोर व्हीलर कर सकते हो, तुम छोटा मोटा गाड़ी यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, तो हमें पार्किंग करने के लिए अंदर घुसना पड़ता है थोड़ा सा, है ना बोलो, हमें बहुत अंदर जाना पड़ता है, उधर पार्किंग करके चल के यहाँ तक आना पड़ता है, और अगर जब देख रहा बंद है तो फिर हो ही गया ना, लगता है SBI का वो लग गया, बोलते हैं संगत का असर हो गया, बोल दो क्या नहीं खोल पाएगा, लेकिन आज का भी दिन खराब चला गया, अभी क्या ही करें यहाँ से निकलते हैं, और एग्जैक्ट लंच टाइम पे हम आए थे, हमें लगा था फ़ोन सबमिट कर देंगे हम और लंच वंच करने बाहर निकल जाएंगे, लंच करके आएंगे फ़ोन लेके चला जाएंगे, है ना प्लानिंग ये था एक्चुअली हमारा, लेकिन एक भी जो प्लानिंग के साथ चलाओ एक दिन नहीं हुआ हमारे से, अब क्या ही करें, कल का दिन इतना गंदा खराब गया था हम दोनों का, कल का दिन ऐसा क्या बहन जो कुछ भी करने जा रहा हो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हमें लगा चलो कोई ठीक नहीं कोई नहीं आज हम कर लेंगे सही, और आज का दिन भी सेम ही नहीं, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, और हमें लगा आज का दिन करेंगे सही, फ़ोन ठीक एक बार हो जाए ना सब कुछ सही जाएगा, है ना, फ़ोन ख़राब था ना मन नहीं करता है, मतलब बहुत सारा सीन ऐसे हो जाता है, कोई नहीं अब मैं मुझे लगता नहीं कि मैं कल परसों आ पाऊँगा, क्योंकि ऐसे ड्यूटी के चक्कर में फंसे पड़े ना हम, कल तो बिल्कुल नहीं आ पाऊँगा मैं, परसों भी नहीं आ पाऊँगा, है ना, कल भी नहीं आ पा रहा परसों भी नहीं आ पा रहा, मैं आऊँगा सीधे शनिवार या तो रविवार देख के हम। मजाक से हट के अगर मेरा जो इतना फ़ोन का काम है ना, मेरे को ड्यूटी स्किप करके आना चाहिए तो फ़ोन ठीक कराने के लिए, लेकिन अगर आ गए ना तो कोई कर सकता है, अगर कल गाड़ी लेके जाएंगे हाँ, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा, और रिस्की हो जाएगा और फंसने वाला काम हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए अभी हमारे को, ड्यूटी का मुश्किल तो दो दिन और पेंडिंग है, दो दिन अगर कर लिया सक्सेसफुली तो पूरा तीन हफ्ता झेल लेंगे हम, लेकिन कोई नहीं अब संडे या तो शनिवार देख आना पड़ेगा, इतना धूप में दिमाग भी काम नहीं कर रहा पता है, और हमें पानी नहीं क्या दिख रहा था हमने पीने के लिए, इतना धूप में हमें लगा घुसे उधर से ही मिल जाएगा पानी, हम लेके नहीं आए थे खुद का पानी, और अभी पछता रहे क्या ही बोलिए अभी और ज़्यादा निकलते हैं। एक फैक्ट है ये मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इसके फ़ोन से, पीछे कल भी कर रहा था आज भी कर रहा हूँ, और आने वाला दो तीन दिन और इसके फ़ोन से ब्लॉगिंग होगा, इसका फ़ोन पूरे कॉलेज में लड़की में सबसे महंगा फ़ोन इसका है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना मैं ना, अच्छा एंड्रॉइड में हाँ एंड्रॉइड में, iOS की बात नहीं कर रहा मैं और एप्पल की बात नहीं कर रहा, वो एक ही है, पूरे कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरे कॉलेज में इसका फ़ोन सबसे महंगा है लड़कियों में, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ मैं, और लड़का में सबसे फ़ोन ज़्यादा महंगा मेरा है, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, एप्पल की बात नहीं कर रहा है ना मैंने,
मेरा फोन में चलो फिर भी ठीक है, अच्छा क्वालिटी आ रहा है मेरा हर फोन का ना, इसके फोन में इतना गंदा क्वालिटी आ रहा है ना अभी वीडियोस का, मैं वीडियोस की भी शूट कर रहा हूँ, फोटो लेने की ट्राई कर रहा हूँ, इतना घटिया क्वालिटी आ रहा है ना कि समझ से आ रहा है, ये लोग जो फूक रहे हैं। तो मेरा चल खैर इनसे 15,000-20,000 रुपये इनसे महंगा मेरा फोन है ना, मेरा चल फिर भी ठीक है कि चल हाँ सब कुछ मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा फोन से और अच्छा क्वालिटी आ रहा है, इसमें इतना घटिया क्यों हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना महंगा फोन में इतना घटिया क्वालिटी। फोन कौन सा होगा? ओप्पो F19 Pro, बहुत घटिया एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, इस फोन का एक्चुअली ओप्पो F19 Pro का बहुत घटिया एक्सपीरियंस है मेरा जो है। तो मैं दो बार दे ही रहा हूँ, एक तो ग्रीन लाइन आ गया, एक ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, अभी ऑन होने का सीन नहीं है, वो जो मैं झेल रहा हूँ झेल ही रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा आगे जब मेरा फ़ोन ठीक हो जाएगा तो बताऊँगा क्या सीन है मेरे फ़ोन का। फिलहाल ये वाला फ़ोन का घटिया एक्सपीरियंस है जो अभी फील हो रहा फिलहाल आके, है ना बोला क्यों ऐसा हो रहा पता नहीं है ना, मजा आएगा सर इधर से आ जा इधर से, चलना कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी धूप है नीचे भी धूप है फिर चलते ना आराम से। तो बहुत ही मतलब कैसे तो खुंदा कर रहा अजीब तरीके से, तो भूख लग रहा है दिमाग ऐसे काम नहीं कर रहा, ऊपर से धूप लग रहा है भूख लगा पा रहा है। फिलहाल यहाँ से निकलते कोई रेस्टोरेंट जाएंगे या तो फिर देखता हूँ फिर रूम निकलेंगे पता नहीं, फिलहाल निकलते ये रहा पानी पीना है। आज साफ कर रहा हूँ गाड़ी लग रहा अपना गाड़ी है क्या बोलती है बहन चो, इतने दिन से मैं सोच रहा था गाड़ी साफ करूँगा कि पिछले एक महीने से सोच रहा था ना, और टूर जाने से पहले प्लानिंग कर रहा था मैं धोऊंगा लेकिन धो नहीं पा रहा, साफ नहीं कर पा रहा था मैं। BMW पता नहीं कौन सा मॉडल है लेकिन तगड़ा मॉडल है, उड़ाए इसको निकलते भाई यहाँ से, इतना धूप है ना क्या ही बताऊं अभी, अब तो पीछे में जलन होगा पीछे सच में, अब देखिए धूप में चल, ये रख ले, ये रख ले पेपर वेपर, अब बोलेगा सूट बोलेगा अब तू देख बेटा अब तू देख, अब धूप हमसे बोलेगा अब देख तू अब तू देख, निकलते हैं साथ में आ जा चल मेरे पास आ जा निकलते भाई बहुत गंदा धूप है। ये भी बता दो जो मैंने करा आज, नहीं ये थोड़ा पर्सनल है, फैमिली देखते हैं मेरे को गाली फेंक के मारेंगे, देते नहीं लेकिन फिर भी गाली पड़ सकता है मेरे को, और ये चीज़ इतना रिपीट हो गया ना कि थोड़ा यूज टू हो गया ये सब चीज़ से भी, है ना आज मेरे सच में गुस्सा भी आ गया था लेकिन फिर भी होता नहीं कि प्रॉब्लम के सामने गुस्सा भी उतना नहीं दिखता है, तो वही सीन था लगा था आज नॉर्मल डे पे होता तो मैं तो गई, मैं ऐसे मोड़ो तो जाती इसको ये पता है इसने क्या गलती करा था और हमें ये पता है क्या गलती हुआ था, हम बोल नहीं पा रहे लेकिन फिर भी निकलते हैं। हाँ हाँ दे मेरे को